नमस्कार, लंबे इंतजार के बाद मेरी टीम हम आपके सामने हैं। TM24 में स्वागत है आपका फिर से। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि EWS मतलब आर्थिक रूप से कमजोर को आरक्षण, जो 2019 से शुरू हुआ, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको आरक्षण दिया जाए, उसका EWS दिया गया, उसका प्रमाण पत्र मिलता है जो एक साल ही रहता है, कायम रहता है। उसको लेके लगातार विवाद चल रहा था, कोर्ट में भी गया मामला और अब कोर्ट से आ गया है कि वो कायम रहेगा। तो कितना सही है कितना गलत है, आम जनता की क्या राय है, इस पर बात करते हैं। हमारे संग कुछ युवा हैं, इनसे बात कर, नहीं मैं आप ही से बात करता हूँ, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? मैं दीपक यादव। दीपक जी, ये जो EWS सरकार की तरफ से लाया गया है 2019 में, जिसमें 10% आरक्षण मिलता है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, वो अब कायम रहेगा, कोर्ट की तरफ से आ गया है, इसमें आपकी क्या राय है? हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ तक बैकवर्डों का जो आरक्षण लागू है, क्या उस आरक्षण के आधार पर उनको हक और उनका हिस्सा मिल पा रहा है? आदेश में चर्चा होनी चाहिए। हम जैसे नौजवान जो इंजीनियरिंग करके बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार कहाँ मिलेगा? जो देश में अपराध बढ़ रहा है, बहन बेटियों की अस्मत दिन दहाड़े लूटी जा रही है, इसकी सुरक्षा पे कब चर्चा होगी? हम ये जानना चाहते हैं। मतलब अभी आप उतने खुश नहीं हैं? नहीं, हम स्वागत कर तो रहे हैं। मतलब कैसे, कहीं ना कहीं OBC में वो खुशी नहीं है, उसका कहना है कि 10% जो आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर को मिल रहा है, उसके अलावा कुछ और भी होना चाहिए था। क्या OBC में आर्थिक रूप से कमजोर लोग नहीं है? खुशी है हमें, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो आरक्षण पहले से चला आ रहा है, क्या वो पूरी तरीके से लागू है? क्या नाम है आप? यदवेंद्र। यदवेंद्र जी, क्या बोलें, आप तो पूरा सवाल सुन ही चुके हैं, फिर से आपसे दोहराता हूँ, ये जो सवर्ण आरक्षण लोग नाम दे दिए, वैसे आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण इसको मानिए, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, हम लोग नई पीढ़ी के लोग हैं और मैं तो शुरू से ही, जो आपने कहा सवर्ण आरक्षण, मैं इस बात के टोटल खिलाफ हूँ। कोई सवर्ण और या कोई बैकवर्ड या कोई इस तरीके से नहीं होता है। सरकार का मूलभूत काम है, लेकिन सरकार इस पे काम नहीं कर रही है। सरकार पॉलिटिकल एजेंडे पेश कर रही है कि देखिए बैकवर्ड में सवर्ण में लड़ाई करवा के, ये सब नहीं। जो बैकवर्ड का हक है वो बैकवर्ड को दे दीजिए, जो जो EWS में जो भी हैं उनको बहुत अच्छा कदम है उनको दे दीजिए, जो ST में जो SC में। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण है, यहाँ पे वहाँ पॉलिटिकली आरक्षण होना चाहिए था 14%, वहाँ नहीं मिल पा रहा है। आप समझिए ना, बैकवर्ड और OBC और जनरल में कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई डिफरेंस। देखा कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है, एकदम खुल के एकदम सटीक बातें इन्होंने कही हैं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग कुछ युवा और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम साक्य। शुभम जी, EWS के बारे में हम जानते होंगे, उसके लिए कहा गया कि कुछ विवाद हुआ, फिर उसके बाद कोर्ट ने उसको मंजूरी फिर से दे दी है, क्या विचार है आपका? आप खुल के कहिए, आप उसके समर्थन में हैं, 10% जो आरक्षण दिया जाएगा गरीब तबके को, उसके समर्थन में है EWS के कि विरोध में? देखिए, आखिर आरक्षण किसको दिया जाएगा? किसी एक विशेष जात के लोगों को आरक्षण देना, और वो लोग जिनके पास 10 बीघे 20 बीघे के कष्टकार हैं, 50 बीघे के कष्टकार हैं, उनको आप आरक्षण देंगे? जो जो पिछड़ा है, जिसके पास खेती नहीं है, जिसके पास 1 बीघे खेती है, 4 मंडे हैं, 1 बिस्सा है, उसको देंगे? सवाल इस बात का है। और जहाँ तक आरक्षण की बात की जाए, तो जिस तरह से भर्तियाँ हुई हैं, क्या यह आरक्षण लागू किया जाएगा? और नहीं किया जाएगा तो पिछली सरकारें में जो भर्तियां हुई हैं या अब जो भर्तियां हुई हैं, क्या उसमें जो आरक्षण लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? अगर लागू किया जाएगा तो उस आधार पे उन्हें निकाला जाएगा या रखा जाएगा? सवाल इस बात का है। युवा कहीं ना कहीं असमंजस में हैं, उनको लग रहा है अब ये क्या होगा,
ये निश्चित नहीं है। सरकार क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है। ये जो EWS है, जिसमें कहा जा सकता है कि जो गरीब तबका होगा उसको आरक्षण दिया जाएगा, उसमें 10% आरक्षण दिया जाएगा, 2019 में ये लागू हुआ था, अभी कोर्ट ने फिर उसको अनुमति दे दी है कुछ विवाद द्वारा, तो इसमें आपके क्या विचार है? जी, मैं कोर्ट के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। जो कोर्ट का फैसला, ये लोकतंत्र है, जो कोर्ट का फैसला है वही सर्वमान्य है। जी, आप स्वागत करते हैं। जी, तो ये आरक्षण और भी होना चाहिए, 10% ही है, और भी मिलना चाहिए कि 10% ठीक? नहीं, देखिए, आप सर्वे करा लीजिए, जिनकी जितनी संख्या भारी है, जिनकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से आप भागीदारी दे दीजिए। अगर गरीब ज़्यादा हैं तो उसमें परसेंट, आप जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको आप उतने हिस्सेदारी दे दीजिए, बात ही खत्म हो जाएगा, ना आरक्षण रहेगा ना बात ही होगी, आरक्षण का कोई टुका टिपरी नहीं हो सकता है। सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि एक सर्वे हो जाना चाहिए सरकार की तरफ से, जिसमें सीधे तौर पे चीज़ें सामने आ जाएंगी कि आरक्षण कितना देना चाहिए। चलिए और लोगों से मिलते हैं। EWS 2019 में लागू किया गया, सरकार ने एक संशोधन करके उसको बनाया, जिसमें 10% आरक्षण मिलता है कोई भी जात का हो, पर गरीब अगर है तो उसे मिलेगा। उस पर कुछ विवाद हुआ, उसके बाद कोर्ट ने उसको कायम रखा है, तो आपके क्या विचार हैं, वो कायम रहना चाहिए जो गरीब वर्ग को आरक्षण मिल रहा है कि नहीं रहना चाहिए? देखिए, जातिगत धर्मगत आरक्षण हटाकर ये जो गरीबी और अमीरी का आरक्षण है इसको लागू रखना चाहिए। बिल्कुल, EWS सही है कि इसमें सभी जाति धर्म समाज के लोगों का कल्याण है। मतलब EWS अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। और जो ये जातिगत धर्मगत आरक्षण है इसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि गरीब और निर्बल लोगों के लिए आरक्षण बनाया गया था, ना कि जातिगत और धर्मगत लोगों के लिए आरक्षण बनाया गया था। तो ऐसे में सिर्फ जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वह किसी भी जाति धर्म के हैं, उनको आरक्षण दिया जाए, और यह जातिगत धर्मगत आरक्षण जो चल रहा है बरसों से इसको समाप्त किया जाए, जिसमें सभी जाति धर्म का कल्याण हो। देखिए, इनका कहना है कि बाकी आरक्षण तो समाप्त हो ही जाना चाहिए, सिर्फ EWS जो है उसी को मेन रखना चाहिए किया जाए, और इसमें हर जाति धर्म समाज के लोगों को इससे लाभ होगा, और जो गरीब हैं उनको उठने का अवसर मिलेगा, उनका उत्थान होगा, विकास होगा। वह क्योंकि जातिगत और धर्मगत आरक्षण का जो मामला था वो अब इतने वर्षों में यह हो गया है कि जातिगत धर्मगत आरक्षण से विकास लोगों का हो चुका है, अब जिनका विकास नहीं हुआ है उनको आरक्षण दिया जाए। इसीलिए जातिगत धर्मगत आरक्षण को हटाकर सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए सभी जाति धर्म को। निर्णय आया है उसमें, जैसे तीन जजों ने बताया कि ऐसा है कि यह लागू होना चाहिए, दो जजों ने बताया लागू नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में जस्टिस महोदय को थोड़ा और पढ़ाई की जरूरत है कि उनको अभी भी जातिगत आरक्षण की जरूरत दिखाई दे रही है, जबकि देश को आज जातिगत धर्मगत आरक्षण को खत्म करके सिर्फ इंसानियत के आधार पर एक गरीबी रेखा में किसी भी जाति धर्म का हो उसको आरक्षण देने की जरूरत है। हमारे संग TM24 के संपादक जी हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि इस विषय के बारे में कहीं ना कहीं किसी वरिष्ठ से समझना बहुत जरूरी है। अभी तक जो लोगों ने बात कही वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पक्ष की बातें की हैं, निष्पक्ष होके जो जानकारी आपको मिलेगी, जो कहीं ना कहीं वो जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी, तो बात करते हैं। संपादक जी, ये बताइए कि जो EWS के बारे में बातें हो रही हैं, जो फिर से लागू कर दिया गया, लागू क्या कर दिया गया है, फिर से कोर्ट ने उसको अनुमति दे दी, इसमें क्या सच्चाई है और कितना सही है कितना गलत है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारी यहाँ तक जानकारी है कि आरक्षण को लागू करने का जो उद्देश्य था बाबा साहब का, वो उद्देश्य था कि जो तबका जिनकी भागीदारी या जिनकी पकड़ या गैर बराबरी के लोगों को आरक्षण दे करके वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जाए जहाँ तक एक तबका पहले से पहुँचा हुआ है, और उसी के कारण ये आरक्षण लागू हुआ था। उसमें सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की जी। कि भाई जो गरीब सवर्ण हैं वो भी 10% आरक्षण ले सकते हैं जी। सवाल ये उठता है कि सवर्ण पहले से भी उन जगहों पे उपस्थित हैं, या कह लीजिए कि ऑन होल्ड जितना भी सिस्टम है वो सवर्णों के पास पहले से है, और
इस आरक्षण से उनको लाभ तो होगा एक तरीके से देखा जाए, अगर सारी व्यवस्थाएं संवैधानिक तरीके से काम करें तो गरीबों को आरक्षण बुरा नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि आज करोड़पति आदमी भी कुछ हिसाब किताब सुविधा शुल्क के हिसाब से वो गरीब बन जाता है, और गरीब बनने के बाद फिर आरक्षण की श्रेणी में आ जाता है। तो जो संविधान की मूल भावना थी वो इस सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से आहत हो रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कल रिटायर हो गए उन्होंने भी इस आरक्षण के खिलाफ अपना पक्ष रखा है। तीन लोगों ने आरक्षण के पक्ष में रखा, दो लोग आरक्षण के सॉरी तीन लोग आरक्षण को लागू करना चाहते थे, दो लोग हटाना चाहते थे। चूंकि मामला संविधान पीठ का था तो संख्या तीन हो गई, इसलिए वो चीज लागू हो गई। लेकिन देखा जाए अगर तो 12% आबादी लगभग सवर्णों की है, 90 के अगर जनगणना से, और अब 12% के बाद आपके पास बच जाते हैं जो 88% लोग। इस 88% पे जो आरक्षण लागू है, 88% पे जैसे ओबीसी के लिए 27% दे रखा है, एससी एसटी के लिए है, सारे आरक्षण सब टोटल मिलाकर के इसको मिलाकर 50% आरक्षण हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए अगर 10% उस व्यवस्था के तहत आते हैं जिसके तहत लेन देन करके और गरीब बनने की स्थिति में, तो 12% लोगों को 10% का आरक्षण है और 88% लोगों के लिए 40% का आरक्षण है। तो ये व्यवस्था तो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, और सरकार को जो चाहिए था कह लीजिए कि इस गवर्नमेंट में जिस सुविधा के तहत ये आरक्षण लाया गया था तो ये सरकार के पक्ष में है, और जहाँ तक माना जा सकता है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को पुनः विचार करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य जो था आरक्षण का वो कहीं ख़त्म न होने पाए। देखिए आपने ये पूरी जानकारी है जो हम आप तक लेके आए हैं, कल फिर नए मुद्दे के साथ नई जगह से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विक्की विश्वकर्मा कैमरा पर्सन और तुषार शर्मा का नमस्कार।